Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. पाली आज यहाँ पे दो हाँ जी आ तो गया और कितने और चैनल पे आएगा अच्छा थैंक यू सो मच लव यू ये क्या रणवीर का पोस्टर काट के जो मेरी शक्ल लगाई ना आई लव यू फिल्म कोई भी करता रहे अपने को मांगता ही पाली आज यहाँ पे दो ऐसे फिल्म स्टार्स आने वाले हैं जिनके बारे में मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ अच्छा कि ये दोनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री का आज भी है और कल भी है परसों भी है मतलब आप मेरी फीलिंग समझे चमकता भविष्य है ये और ये दोनों जो भी फिल्म करते हैं ये अपनी छाप जो है हमारे दिलों पे छोड़ जाते हैं तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा द वेरी लवली वेरी चार्मिंग एंड द वेरी टैलेंटेड आलिया भट्ट एंड द पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड एनर्जी रणवीर सिंह रणवीर और आलिया के लिए एक बार जोरदार तालियां जी पाजी कर दूं आपने मेरी माननी है जो अगर मैं नहीं भी कहूं आपने तो करनी है पाजी करो आप ऊर्जा पूर्जा ऊर्जा पूर्जा पूर्जा ऊर्जा भरपूर एंटरटेनमेंट देगा वाह जिस फिल्म में रहेगा सक्सेस 100% देगा वाह उसे आसमान की बुलंदी पे चमकता देख के सूरज ने कहा अरे भैया क्या अब तू मुझे रिटायरमेंट देगा ओए ओए वाह 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 एक और तड़कता फड़कता है प्यारी सी स्वीट सी बच्ची के लिए आइए तुझे बच्ची लगती है बच्ची तो है तो सुन मुझे क्या लगती है सुन सुन हाँ जी सुनाइए प्लीज शो स्टॉपर है वो रैंप पे रॉक करती है देख के उसको दिल की धड़कन टिक टॉक सवेरा सूरज समंदर उसके पीछे पीछे चलते हैं जब वो घर से निकल के बीच पे मॉर्निंग वॉक करती है कैसे कैसे करके दिखा जरा ऐसे पता नहीं कौन मॉर्निंग वॉक पे जाता नहीं आपने कहा था शेयर कहने वाले ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई ना आपकी बेटा मैंने आज तक रेयर ही है कभी ट्रेलर देखा होगा मुझे चार बंदों ने आके जबरदस्ती ट्रेलर दिखा दिया क्या बात है पाजी ट्रेलर और ये बंदा कितना भी बड़ा बादशाह हो पर मोहतरमा इक्का है मेरी कसम खा मर जाएगा तू सच्ची में देखा ट्रेलर ऐसे नहीं ईमानदार सच्चे पॉलिटिशियन मर जाएगा तू सच बोल रहे हैं मुझे याद ही वो रह गया उसमें नहीं तो कई बार तो लोगों को ऐसे बोलता माने देखा ट्रेलर क्या बात बाद में कहता कौन सी फिल्म आ रही इनकी बिल्कुल सिद्धू भाई ने सही कहा रणवीर और आलिया की जो फिल्म आ रही है गली बॉय इसका ट्रेलर देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है ये फिल्म जो है सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है इसमें ऐसा कोई बायस होने वाली बात नहीं बिकॉज आप सब जानते हैं कि मैं रणवीर और आलिया से बहुत प्यार करता हूँ वाकई में कमाल का ट्रेलर है थैंक यू सो मच इसमें रणवीर जो है एक रैपर बने हुए हैं जो स्लम में रहता है लेकिन अपने टैलेंट के दम पे अपने सपने पूरे करता है रणवीर आपने इससे पहले जो फिल्में की हैं बाजीराव मस्तानी की है तालियां मंदी यार सारी फिल्मों के लिए पद्मावत वाला स्टेप सिम्बा बाजीराव में भी घोड़े पे भाग रहे हैं पद्मावत में भी घोड़े पे भाग रहे हैं सिम्बा में जीप मोटरसाइकिल सडनली गली में भागना शुरू कर दिया मतलब चीते की चाल से कुरला की चाल पाजी एक बात सभी जानना चाहते हैं कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए यार एकदम से आपने राजा महाराजा वाले रोल निभाए एकदम सड़क छाप एकदम लड़का यार मैं तो बचपन से रैप करते आ रहा हूँ फाइनली जोया अख्तर जी आई और मेरे मतलब साइड स्किल का कुछ तो गुड इस्तेमाल हुआ लाइफ में वरना तो ऐसे ही रह जाता मेरे अंदर आलिया जो है ना फिल्म में जितना हमने ट्रेलर में देखा रणवीर के साथ रोमांस कर रही है और बड़ा खतरनाक वाला रोमांस कर रही है मतलब गुस्से वाली बनी हुई है हाँ और क्या क्या देखने को मिलेगा आलिया आपके किरदार क्या है किरदार थोड़ा सा
मैं कहूंगी पागल टाइप्स ही है. अच्छा. वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है अपने प्यार को लेकर के. मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई गुलू गुलू करेगा तो धोप दूंगी ना उसको. उसका बड़ा सिंपल फंडा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. मेडिकल स्टूडेंट है, कंफ्यूजन करोगे तो लिवर निकाल देगी आप. बट ऐसी जिंदगी में मत करना एक्चुअली अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है यहाँ पे. बट पागल है थोड़ी सी, फिर बहुत प्यारी है और सेंसिटिव भी है और मजा बहुत करती है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कैरेक्टर. मतलब रियल आलिया ही है उसमें. नहीं मतलब मैंने किसी को धोपता नहीं अपनी. अच्छा आलिया, जैसे आपने कहा कि मैं धोप डालेगी उसको. हाँ. जो गुलू गुलू करेगा. अच्छा, इलू इलू तो हमें पता है, सुभाष की साहब की फिल्म में देखो तो गुलू गुलू क्या होता है. तुझे नहीं पता आशिक हमारा. मैं वैसे गुलू गुलू क्या होता है. मैं ऐसे थोड़ा मजे लेता रहता है. गुलू गुलू क्या है मुझे सच्ची में नहीं पता. मैं शादीशुदा आदमी भाई, मेरे को माफ करो. अली एक बड़ा पर्सनल सवाल है, बच्चों का सवाल था. जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू किया. हाँ. तो मैं धोप डालेगी. अगर बॉयफ्रेंड ही भगवान करे, मतलब आपको बहुत अच्छा ही पति मिलेगा जैसी खूबसूरत है ये. अगर सच्ची में आपका बॉयफ्रेंड कहीं हुलू हुलू कर ले, बॉयफ्रेंड ही थोड़ा कपिल शर्मा हो मतलब, तो फिर क्या करेंगे रियल लाइफ में. देखिए मैं रियल लाइफ में भी काफी नॉन वायलेंट हूँ और मुझे लगता है कि ये जो साइलेंस है ना अपना गोल्डन होता है. right. तो आप आंखों से ही धोप सकते हैं किसी को. wow. तो अगर आपने गुलू गुलू किया, समझो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो. समझो मजा ही आ गया. आप बात है, मेरे को समझने में ही मजा आ गया. अपने को ऐसा अच्छा लगता है. हाँ, तो अगर मुझे ऐसे कुछ पता चल गया कि कुछ गुलू गुलू हो रहा है तो मैं ऐसे करूंगी. Nice, सीखो कुछ. रणवीर ने फिल्म में ना टिपिकल मुंबईया लैंग्वेज यूज की है. बाप बंटाई भूमिज क्या बोल रही है तू. क्या बात. रणवीर मुंबई में पले बड़े हैं पर मैंने आज से पहले इनको ऐसी लैंग्वेज बोलते नहीं देखा. भाई मैं ये पूछ रहा था. मैं ये बोल रहा था कि ये भाषा तुमको पहले से आ रही थी या फिल्म फिल्म के लिए नहीं सीख रही. भाई अपन तो इधर पले बड़े, ये तो अपनी भाषा है, बंटाई लैंग्वेज बोले. अच्छा ये लैंग्वेज वैसे हमने. अरे ये लैंग्वेज तो अपनी दीदी भी सीखे ली. भाई सीखे ली. तो बोलना मतलब तुम्हारी दीदी. क्या मतलब मेरी दीदी. पाजी एक से तो शादी कर ली, तो बाकी जो आ रही है दीदी तुम्हारी. शर्म नहीं आती है आपको. किलर है पर साइलेंट, गुड़िया है लेकिन पापी. अच्छा पाजी मेरे को एक बात बताओ, ये जो रैप करते हैं हर बात पे जो करते, ये मैंने पहले देखा था. कभी नहीं करते वो, कुछ ऐसे मुर्गे पकड़ते हैं ऐसे. कुछ तो करते हैं. आप समझाओ क्या करते हैं. तो जो ऐसे ऐसे करके ऐसे मारते हैं. ये नहीं करते. ये पुराना हो गया. मतलब कुछ तो करते हैं ऐसे ऐसे करके. ऐसे कुछ कीजिए. हाँ वो बीट पे ना, बीट पे. जैसे जब कपिल गाता है तो लेफ्ट हैंड में अगर उसकी माइक है तो राइट हैंड वो कुछ हरकतें करते रहता है. करते रहता है. मक्खी पकड़ रहा है. तो मेरे को लगता है शायद इससे स्पेलिंग बाहर आते हैं सॉफ्टली, मतलब थोड़े. नहीं ये बास्केटबॉल खेल रहे. बास्केटबॉल ये बॉल खेल रहे. ये कम ठीक है भाई, पागल है यूथ इस चीज के पीछे भाई. पर आप दोनों ने जो कैरेक्टर्स पकड़े हैं कसम से, मतलब आप ना तो आप आलिया लग रही है ना आप रणवीर लग रहे हैं, इतना कैरेक्टर में जमे हुए. लव यू बोथ. क्या बात है. अरे सबको पता आलिया को गाने का शौक भी और अच्छा गाती भी है. आपने जिद नहीं की मेरे को भी रैप गाना फिल्म में. नहीं क्योंकि कैरेक्टर रैप नहीं कर रही है तो मैं क्यों रैप करूं. ये जबरदस्ती बीच में घुस के रैप करना. प्रमोशन भी तो होता है जब फिल्म खत्म हो जाती है. वो ऑथेंटिसिटी है ना जो चली जाती है फिल्म. हाउ स्वीट हाउ मैच्योर. भाई देखो आप उम्र में छोटी है लेकिन बहुत ऐसी सुपरस्टार नहीं है भाई. तालियां बनती हैं आलिया के लिए जोरदार. तो जब इतनी रैप चिप की बात हो रही है पाजी, एक तो बनता है. मैं आलिया ऐसा करते हैं, हाथ वाथ बड़े हिलेंगे तो हमें लग ना जाए. कम ऑन बेबी, तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरे तो कोई नहीं है. ओके ओके. तो सिद्धू पाजी के पास चलते हैं. या कम ऑन. ओ यो सुपर, एक बार फिर से तालियां. बड़ा बड़ा स्टेडियम आज, क्या बात है. अंकल आपके साथ इस तरफ भी लड़की बैठी हुई हैं. आपको कैसा लग रहा है. देखना आप इतना इतनी इतनी मोहब्बत मिल रही है ना, थोड़ी देर में बाल आने शुरू हो जाएंगे.
ये अच्छा रहता है, चाम बना रहना चाहिए लाइफ में. मौसम पानी रात चेक. बिल्कुल जल्दी लग रही है जल्दी. ओह हाय रणवीर. व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप. हाय आलिया व्हाट्स अप. क्या बात है, दोनों एकदम अंगार लग रहे हैं भाई. तुम लोग अपनी जींस में तशरीफ तो डलवा लेते. वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं लोग. काय को तेरे भी इतना अंगार है, चिल करने का चिल. कैसे बोली मैं. ए, इसने आज ना पक्का एक्सपायर्ड बीड़ी पी ली है. सुन मेरी बात, कब से ये कर रही है. नीचे वाले होट से पहले तो जर्दा बाहर निकाल. क्या बन के घूम रही है ये. कप्पू, मुझे अपने नेक्स्ट प्ले में रैपर का रोल मिला है. ओह, मैं झूठ बोल रही है. खाने का रैप मिला होगा तेरे को. मैं बात कर रही लिए ना, बोल ले दे. अरे छोड़ दे, सेब खाने को दिल कर रखा लो. अब उनके पास खाने का कमी नहीं है. क्यों बंडल लोग. चलो अभी चलो, शाम को नागे पेच मिलेंगे. और शर्मा, काय को इतना साइलेंट, बोल कुछ. अभी आलिया देखना, ये अभी भगवान की फोटो निकाल के 5-5 रुपए मांगेगी. ये क्या भूत सवार हो गया तेरे पे. क्या भूत सवार. तुमको पता है मेरे दादाजी रैपर थे, और ये वाला जो साल है ना, वो सबसे पहले दादाजी ने दिया था रैपर्स को. भाई इसके दादा रैप कोई नहीं करते थे. इसके दादा की ना दादी से बनती नहीं थी. वो जब जाने लगी ना, कहती मेरी शादी वाली अंगूठी निकालो. अंगूठी फंस गई, उसने 2 उंगलियां निकाल ली. इसका दादा यूं हो गया फिर. तब से ऐसे ही बात करता था. झूठ बोल रहे लिया. शर्मा, मैं ना गली गर्ल हूँ. ओके, अपन गली गर्ल है, और मेरा रैप रैप नहीं, अंगार है. दीदी बहुत हार्ड. अंगार नहीं, भंगार है बाबा. भंगार बोलो तो भंगार. एक दिन यही अंगार ना ज्वालामुखी बन के फटेगा. ओए, वो ज्वालामुखी नहीं होता, वो होती है एसिडिटी होती है. जो खाना ना खाने की वजह से होती. चल बाहर जा, लंगर लगा, शूटिंग का खाना खत्म हो गया. चलो रणवीर, आप भी समझाओ अपने दोस्त को कि रैप क्या होता है. प्लीज समझाओ इसे, क्योंकि जब मैं रैप करती हूँ ना, मेरे हर एक लाइन पे लोग बोलते हैं मस्का है मस्का. अभी मस्का बोल रही है, थोड़ी देर बाद बोली पाग है पाग है. अब उन भी आज चिरा रहा है. बोला बुरी. ये ना टैलेंटेड लोगों का काम होता है, ये तो 5 रुपए का बंडाना लेके ये सब नहीं होता. एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ. पता है मुझे 150 शोज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और हम गली गली में शोज करेंगे. मैं आपको बताऊं आलिया, वो आते ना ये फोटो पे 6 लिखो तो जादू देखो, है ना. ये अपनी फोटो डालती है ऐसे, बोलती है 6 लिखो जादू देखो. लोग 6 लिखते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, कहते 6 लिखा ना, खाना खिलाना मेरे को. पता है लोग मेरे रैप के दीवाने हैं. मैं जब भी रैप करती हूँ पारी, सारे लाइट्स का फोकस. अच्छा, अपन करके दिखाओ. कुछ नहीं करती है, होगा. शाम को नकली बीड़ियां बेचती, मेरे से पूछो आप. कौन सा करता है रैप के दीवाने. लाइट फोकस, और पुलिस की गाड़ी की लाइट होती है. चल चल, सॉरी सॉरी, चल बुरी सुना रैप जो आज करने आई तुझा. ओके ओके ओके, ये सब हम कर लेंगे, तू मेन काम कर. जो ये क्या कर रही है, बीट उठाते हैं कप्पू. बीट उठा रहे, मेरे को लगा तू उल्टी उल्टी बीट उठा रही थी. ये मेन काम इसका बीट उठाने का. कबूतर खाने में जाती है, सभी यही सब करती है. अरे मैं उस बीट की बात नहीं कर रही हूँ. खा मेरी कसम, मर जाएगा तू. क्या बात है, क्या आलिया के डायलॉग का सत्यानाश किया तुमने. दिल कर दे तेरे नाम का करवा चौथ रख के तोड़ दूं मैं 2 मिनट बाद. इतना भी कठोर मत बन कप्पू. काश किसी हाईवे पे एक दिन हम दोनों राजी हो जाए. तुम मेरे रंधी फुटा, और हम तुम्हारे पटाखा गुड्डी हो जाए. हमारे 2 स्टेज की एक छोटी सी डियर जिंदगी हो जाए. तुम हम टी शर्मा, और हम टी शर्मा की दुल्हनिया बन जाए. काश मैं पान सिंह तोमर हो जाऊं, तू मेरे ताऊ का बेटा हो जाए.
तेरी गर्दन पे गोली मारूं मैं। अरे दीदी बेचारे ओ आए तू वही है ना जो बंदर की पूंछ पकड़ के नाचती थी। मैं भूरी हूँ, मैं रणवीर से इंस्पायर होके मैं अपने नेक्स्ट प्ले में रैपर बनी हूँ। रणवीर कौन? ओ आए अलाउद्दीन खिचड़ी। खिचड़ी नहीं खिलजी खिलजी। मैं क्या करूं, तीन दिन से खिचड़ी खा रही थी, मेरा पेट खराब था। बैठिए ना मैम, बैठो बैठो प्लीज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अलाउद्दीन जी, आपसे नवाजुद्दीन बड़े हैं कि छोटे? नवाजुद्दीन कहाँ से आ गए? गैंग्स ऑफ वसेपुर से। अरे दीदी मजाक छोड़ो, मुझे ना भूख लगी, थोड़ा खाना बना दो प्लीज। मारू तेरे मुंह पे एक थप्पड़। बार बार तेरे लिए खाना बनाऊं, बार बार तेरे जीजे को मैं बाप बनाऊं, ज्यादा गुस्सा चढ़ाया ना तो एक मुक्का भी बना दूंगी, समझी? क्या देख रही है, पानी लेकर आ मेरे लिए। अच्छा अच्छा जा यहाँ से। ला रही पानी, ला रही पानी लेके आ। हेलो आलिया। हेलो। फ्रूट वगैरह खा लिया? चाय पानी पी लिया? बहुत सारी फिल्मों में पैसा कमा लिया, सब उजाड़ दिया कि थोड़ा सा बचा लिया? माइक ड्रॉप। भाभी ये क्या खा लिया पी लिया बचा लिया लगा रखा तुमने, सुन लिया? आलिया जी आप कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई मोमोज पड़ा हुआ है। हाँ जी ऐसे लग रहा है मैं चटनी डाल के खा जाऊँ आप। और देखो मेरा पानी आ गया, लाओ बेटा जल्दी थोड़ा पानी लो। थैंक यू। पियो पियो। बस मेरा भर गया। भाभी आपकी बहन का भूत उतारा जरा, इसको रैप करने का भूत चढ़ा हुआ इसको। देवर जी आप ना मुंह संभाल के बात किया करो, सब देखो मेरी बहन के पीछे पड़े रहते हैं, इसने क्या किया ऐसे हैं? आप मेरे को एक बताओ, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है बताओ, बताना मत मेरी हंसी निकल जाएगी। आप भी शुरू हो गई सबके सामने, मेरे को नहीं मार। ले 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 मेरी छोटी जी बहन नाराज होगी, हाँ मैं अपनी बहन को छूटा दूँ। ले 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 अरे मेरी बहन दीदी, ले ले नाराज हो गया था। ले 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 क्या हुआ? कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। तुझे रैप गाना ना? नहीं नहीं करना। मेरी बहन को रैप गाना पाजी, आज हम बॉम्बे वालों को बता देंगे, क्योंकि ये तो रैप करते हैं ना हमारे पंजाब में क्या करते हैं। चलो फिर पूरी चलते हैं हम, ऑल द बेस्ट आपको गली बॉय के लिए। ओ माय गॉड देवर जी ऐसे लड़के कहाँ से बनते, कौन सी फैक्ट्री से? सिक्स पैक, कितनी अच्छी स्किन, ऐसी मुझे 5 मीटर मंगवा दो ना। कितनी अच्छी स्किन है। अरे छोड़ ना, वो शादीशुदा है दीदी, ऐसी नहीं करते। पता है मुझे वो शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा फिर भी लगे रहते हैं। सच में यार मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना जल्दी शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, किसका कोई नहीं होता ना उसका फिर कोई भी नहीं होता। चलो दीदी बहुत हो गया, मेरे को 5 मीटर मंगवा देना। अच्छा गली बॉय की टैगलाइन जो है वो है अपना टाइम आएगा। आप दोनों का तो टाइम आ चुका है, धड़ाधड़ बैक टू बैक सुपर डुपर ब्लॉक पर सिस्टम में दे रहे हैं। इसमें रणवीर कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, उसमें रैप भी गाते हैं, बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग जो है ये रैप है कि अपना टाइम आएगा, हार कभी नहीं मानना, लगे रहने का। तो आप इस पर अपने विचार व्यक्त करें। जिंदगी में हर किसी ने कहीं कभी ना कभी कभी मुश्किल टाइम आया होगा जी। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, सब किसी की लाइफ में कभी अच्छा दौर आता है, कभी अप्स आते हैं, दैट इज लाइफ, अप्स डाउन्स उतार चढ़ाव। मुश्किलात जब आती हैं तो बस अपने आप को बोलो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आप को कहो कि तू इससे हार्ड है,
तू अपने आप में विश्वास कर और तेरा टाइम आएगा। क्या बात। तात्पर्य ये निकलता है, हिंदी बड़ी प्योर हो गई मेरी, कि हार्डवर्क जो है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लगे रहो, कभी ना कभी टाइम आएगा। मैं यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को इस बात पे विश्वास है कि उनका टाइम आएगा और उस टाइम के लिए वो क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। अपने अपने विचार पेश करें। Hi, Gully boy. Yo. What's up, man? Chilling. Hello. मेरे को भी करें। Same to you. हाँ, सो मेरा नाम आरव है और मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया क्योंकि मेरे को रणवीर सिंह के साथ रैप करना है। वो अपना टाइम आएगा पे। आ जा। मतलब इतना ये जो बोलना होता है इतना इजी नहीं है ये, मतलब सांस टूट जाता है। आरव क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो अभी? हाँ। कौन सी क्लास में? एट्थ में हो। एट्थ में हो आप, वेरी गुड आरव, ऑल द बेस्ट ब्रदर। बाय बाय। और कोई हमारे दोस्त? यस भाई साहब, अगर बाल कटाने का टाइम आया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित यादव नाम है सर मेरा। सुमित यादव जी। सुमित कहाँ से आप? मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो क्या आपके विचार है इस मुद्दे के, अपना टाइम आएगा? सर, इस बात का मुझे भरोसा है कि मेरा टाइम तो आना ही है, इस बात का पूरा भरोसा, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की उतनी तो मुझे नहीं लगता मेरी उम्र पे लोग करते हैं। तो आपने क्या वीटी स्टेशन बनाया? क्या मेहनत की? मेहनत बड़ी की है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है तो अच्छा बोलना चाहिए। बता भैया, क्या तू बता ना, क्या मेहनत? बाजी क्या है, बात है कि अगर आप मुझे एक मिनट अभी दे दो तो फिर आपको मेरी पूरे जिंदगी की मेहनत पता चल। अरे वाह, प्लीज प्लीज, सुपर्ब, बहुत हार्ड, माइंड ब्लोइंग, जोरदार तालियां यार। फैबुलस यार, अमेजिंग, यू आर सो। क्या बात है ब्रदर, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू यार। आप तो मतलब आप बोल रहे मेरा टाइम आएगा, मुझे लगता है आपका आया हुआ, हम बता नहीं रहे किसी को। सुपर्ब है यार। सच बताऊं तो सर, आपको देख के मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से ही शुरुआत की थी। वाह। थोड़ी बहुत मिमिक्री करने लगा उसके बाद में। सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरा अभी अगर आज सच बताऊं तो स्टेबल भी हूँ, हंस भी रहा हूँ, तो सर उसकी वजह है, क्योंकि सर आपके आपके शो को देख कर, कमाल टैलेंट है यार आपका सर, आपके शो को देख देख कर हमने ये सीखा कि आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया भी चली जाए, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। Love you, thank you. सर, आपकी परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया ब्रदर, ऑल द बेस्ट, छा जाओ दुनिया पे। जी और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सशिकल सर। सशिकल सर। सशिकल जी। हाय सर। हाय मैम। अपना टाइम आएगा, इसका मैं जीता जानता उदाहरण हूँ। अच्छा जी। दो महीने पहले मैं कुछ 135 किलो का था। ओ, ओ, वाह। उसके बाद सर का पहले से बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी लग नहीं रहे आप 135 किलो। नहीं अभी सर, मेरे ख्याल से 127 होगा आपका। सर 2 किलो ज्यादा बता दिया आपने बस। 125 दो महीने में 10 किलो कम किया है। अच्छा। और ना कोई जिम लगाया, ना सैर की, कुछ नहीं, खाली सर के ढांसू गानों पे दिन रात नाचता हूँ। एक्सरसाइज यार वो तो। इतना बड़ा फैन हूँ सर का कि आप सुबह 4 बजे उठा दो, मैं सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक नाचता रहूंगा। वाह। और सर के जो गाने आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि 83 के रिलीज तक मेरे एब्स होंगे। वाह, अच्छी बात है। मैं सर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था। पहले तो ये बता दो कौन से गानों पे डांस करता है। सर आप अपना कोई भी गाना बता दो, अगर हुक स्टेप मैंने मिस कर दिया मैं अभी शो से चला जाऊंगा। पाजी, वो चैलेंज। ये चैलेंज है, चैलेंज। चैलेंज, चैलेंज। वाह। आ जा मैदान में। भाई दिखा भी दो क्या लेके आए लिफाफे में। ओ हाउ स्वीट। हाउ स्वीट, क्या बात है। ये खुद से की है? नहीं, ये फ्रेंड से बनवाया। फ्रेंड से बनवाया है। मैं अभी तुझे क्रेडिट देने वाला था, शुक्र है तूने बता दिया। सर क्रेडिट क्रेडिट तो लिया जा सकता है, बट भगवान से झूठ नहीं बोला जा सकता। क्या बात है। बहुत अच्छी है पाजी, वेरी गुड। पाजी कैमरा पे भी दिखाओ दीपिका, ये देखिए कितना अच्छा स्केच बनाया आप दोनों का। पाजी फोटो तो देखने दो हमें। क्या बात है सानी साहब, बहुत बहुत
एक नंबर लाला. सुपर, वेरी नाइस. शुक्रिया सानी साहब, आइए. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. सर, मेरा नाम आकाश है. मैंने पूछा जी सर, सॉरी सॉरी. अच्छा आकाश, सूरत गुजरात से आया हूँ सर. अच्छा जी आकाश. और 3 साल से स्ट्रगलिंग कॉमेडी कर रहा हूँ सूरत में, ओपन माइक्स में जाता हूँ. ओके. और आप आइडल हैं सर हमारे. सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर. सर, आज आपको लाइव देख लिया, आपको परफॉर्म करते हुए देख लिया, तो सर अब मैं श्योर हो गया हूँ कि मेरा टाइम आ गया है सर. सो स्वीट, लव यू. एक चीज आपको दिखानी थी, उसके लिए सर स्टेज पे आना चाहूंगा. आइए प्लीज. ये देखो, इन गली बॉय का पोस्टर काट के ना मेरे फोटो पे आए. दिखाओ. क्या बात है, फनी बॉय. सो स्वीट, लव यू. यस ब्रदर. अरे यार ऐसे मत करो सर. सबसे पहले तो फी पाओ पल्ला. क्या बात है, आपके करोड़ों फैन है सर. मैं उसमें से एक छोटा सा फैन हूँ सर. मैंने इधर बैठो. आप मेरे बड़े मुझे प्यार आया. आप बैठिए बैठिए, आराम से बैठो, आराम से. सर मैंने, मैं इधर बैठूंगा, आप इनको भी देखो पहले, हम बैठ के बातें करेंगे. देखो सर, मैंने आपके नाम को मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए जोड़ लिया है सर. सो स्वीट. हैं, अरे बाप रे बाप. ये खुदवाया कि परमानेंट है सर? यार काजी प्यार है ये, पर आई रिस्पेक्ट योर लव फॉर मी, आई लव यू ब्रदर, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया. गॉड ब्लेस यू. ये मिटेगा अब के नहीं? नहीं सर, कभी नहीं मिटेगा. कल को तुम किसी और के फैन हो गए तो? नहीं सर, हम नहीं सर. एक कॉमेडियन हिंदुस्तान में, एक कॉमेडियन आपके अलावा किसी का फैन नहीं. लव यू, लव यू, लव यू. थैंक यू. अच्छा आपको पता है आलिया को गाने का शौक है, लेकिन एक चीज हमें आपके बारे में पता चली आलिया. क्या? जब ये बहुत छोटी थी तो तब ये किसी पार्टी में जाती थी ना, और जिस गाने पे डांस करना होता था वो सीडी घर से लेके जाती थी. इज इट ट्रू? हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे वो गाना होगा कि नहीं. मेरा टिपिकल वो हिंदी वाला गाना था, और वहाँ भी जाके एंटरटेनमेंट अगर मुझे ना मिले तो मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा. अच्छा ये बताओ कि कौन सा वाला गाना था? एवरीथिंग, आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल. ऐसे कुछ करके दिखाओ. ऐसे नहीं, अभी हम पार्टी में नहीं आए हैं. नहीं नहीं, ये कपिल शर्मा शो है, ये तो पार्टी ही है. थैंक यू, इसमें कोई शक नहीं है. तो आप तो एंटरटेनर हो. हाँ. आप एंटरटेन करो. मैं तो एंटरटेन ही कर, पर मुझे पर मैं गाऊंगा. हाँ? आप वो वाला स्टेप कीजिएगा, करिश्मा कपूर वाला. नहीं नहीं, आप ये करो, मैं गाती हूँ, आप करिए. हाँ वैसे भी कभी कभी क्या होता है ना, मुझमें करिश्मा चढ़ जाती है. तो ये दोनों ही मल्टी टैलेंटेड हैं. स्कूल फरमाइश के बाद आलिया और रणवीर के लिए जोरदार तालियां. उफ आलिया, उफ. क्या गाती हैं आप. रियली आई मीन, एक बार आलिया भट्ट के लिए हो जाए यार. इतने छोटे पैकेट में इतना बड़ा टैलेंट, माशाल्लाह. एक और गाना है आलिया, उसके लफ्जों में भी बहुत दर्द है. और जो गाता है वो भी गली बॉय, गलियों में फिर के ये गाता है. मारा मारा, जब किसी का दिल टूटता है ना, उसके लफ्जों में दर्द आ जाता है, और गली गली में फिर के ये गाना गाते हैं. सुनेंगे आप? ओ भाई वो गाना सुनाना, ओ मेरे गली बॉय. फीलिंग आ गई, फीलिंग. वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया. ये बाजी आपकी शरारत नहीं, ये तो बैठा रहता है पीछे ऐसे बालों में बांध के, अपने लंबे लंबे बाल. यार राजधानी एक्सप्रेस का टाइम होगा तो गा जाके. जोरदार तालियां आले और रणवीर के लिए. ओ बच्चा, ओ ब्रो, हार्ड हार्ड हार्ड, पोता बहुत हार्ड. रणवीर सिंह, आलिया भट्ट मेरी गली में. सर सर, यो यो, आपको देख के ना इतना खुशी हो रहा है, बता नहीं सकते आप दोनों. दिख रहा है आपके सर पे खुशी, दिख रहा है. हाँ देखिए यार, ये जब बहुत खुश होता है ना तो इसकी पूंछ खड़ी हो जाती है. वैसे रणवीर जी, गुलु 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 गुलु. बच्चा ये क्या कर रहा है? अरे हम इनको गुलु गुलु करेंगे तो आलिया जी हमें धोपेंगे.
वैसे आलिया जी आप यहाँ पर आए हैं, हमारी गली के जितने मच्छर हैं ना उनकी कसम खा लीजिए। क्यों? मर जाएंगे यार। हमने देखा ट्रेलर में कसम खत्म मर जाते हैं। आई नो। देखिए आपको कसम खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, ऑल राइट। जीवन में कभी टिंडा मत खाइए। क्यों? लोग कहेंगे आलिया भट्ट टिंडा खा गई। पूरा का पूरा शहर ही खा गई। रणवीर सिंह जी, सर आपका लिए एक सलाह है, आप कभी किसी के आड़े मत आइएगा। क्यों जी? फिर लोग कहेंगे रणवीर सिंह आड़े आ रहा है। सिंगाड़े सिंगाड़े। और हाँ कपूर शर्मा, आप ना कभी अनार मत खाइए। क्यों? बहुत महंगा है यार, यू कांट अफोर्ड। कैसे खाएंगे यार। वैसे एक्चुअली सर हम जिस काम के लिए आए थे, ये बातों बातों में वो मेन काम हम भूल गए यार। बताइए क्या है सर। आई हैव 11 चिल्ड्रन, तो क्या है कि उनका फ्यूचर को लेके हम बहुत टेंशित हैं। क्यों? मतलब कि क्या उनका फ्यूचर में बनेंगे क्या, आई डोंट नो। तो आप लोग से थोड़ा सलाह चाहिए था, हमारे बच्चों से मिल लेंगे थोड़ा सा। हा, 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 हा। नाना जी लाइए जरा। ये इधर आए सर। प्यारे प्यारे बच्चे, बच्चों कोई रोए होए तो नहीं ना। अग्रेसन फॉर नो रीजन यार, ओल्ड एज आई थिंक होता है ये। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, तो रणवीर सिंह जी बताइए यार इनको बड़े होकर क्या बनना चाहिए। आप इनको दूध के बिजनेस में क्यों नहीं डालते? हम सोच रहे हैं उसके बारे में भी, लेकिन हम पहले सोचे कि सर ये वाला जो है ना इसको हम, ये बड़ा होगा ना हम इसे डाकू बनाएंगे। आए दिन हमें ऐसा घोड़ा बना के हमारे ऊपर बैठ जाता है यार। सारे बच्चे बनाते हैं अपने बाप को, तेरे को तो हिपोटोटमस बनाते होंगे। बनाता तो है लेकिन सुसु की नोक पे कौन बनाता है यार। मैं आलिया जी सच कह रहे हैं, डायपर खोल के खड़ा हो जाता है, कहता है कि घोड़ा बनो वरना पूरा फर्श गीला कर दूंगा, ऐसी धमकी देता है हमको। अब डाकू नहीं बनाए तो क्या बनाए? अगर गीला करता तो किसी प्लम्बर को दिखाओ ना इसको। मानना पड़ेगा भाई साहब को यार, गीला करता है तो प्लम्बर को दिखाएं, पीला करता है तो पेंटर को दिखा दें। वैसे हम सोच रहे हैं ये वाला जो है ना हाँ। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजेंगे। क्यों? ये काटता बहुत है यार। प्यार से नाम रखेंगे टीडीएस। बहुत ज्यादा काटता। अरे बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना टीथिंग होती है तो काटते हैं वो। बच्चों का बड़ा नॉलेज रखते हैं यार आप। एक काम कीजिए सर, आप ना एक पेरेंट टीचर मीटिंग पे चले जाइए, इतना नॉलेज है ना आपको, जाइए। मैं क्यों जाऊं, मेरे कौन से बच्चे हैं? तो कीजिए ना। खैर सर आपका क्रिकेट का भी फिल्म आ रहा है ना। हाँ हाँ। तो हमारा एक बच्चा है उसको हम क्रिकेट खिलवाएंगे। उसे क्रिकेटर बनाना है? नहीं नहीं नहीं, उनको पॉलिटिशियन बनाना है। और हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बन गया। सिद्धू भाई? नहीं नहीं, इमरान खान। अच्छा जोक सुना ऐसा है? तो ठीक है हम जोक सुनाते हैं। एक बार क्या होता है, चंगू और मंगू दो बड़ा नजदीकी दोस्त हैं। चंगू का मुर्गी जाके मंगू के घर पे अंडा दे देता है, अब ये अंडा किसका है? चंगू मुर्गी का अंडा है यार। अरे यार कहीं भी जाए यार हाथी का अंडा थोड़ी बन जाएगा यार। मुझे लगा मुर्गी का नाम चंगू है। नहीं 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 नहीं, दो फ्रेंड्स है यार। एनीवेज दूसरा, ऐसी कौन सी वाइन है जिसको आप पी नहीं सकते लेकिन खा सकते हैं? अजवाइन। ऐसी कौन सी वाइन है जिसे आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते पर बात कर सकते हो?
डिवाइन. अरे वो एक और 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 एक और
कितना हम थोड़ा ज्यादा फनी निकल आए हैं। अगली बार तू इधर बैठेगा ना तो भारती को उधर बिठाइयो। आई विल मेक श्योर यार। सॉरी यार डिस्ट्रॉइंग योर प्रॉपर्टी ब्रो। अरे यार मजा आ गया। तो बताइए सर का बनाना क्या है यार बच्चों? अरे अपने बच्चों को लेना, अपने तबेले में रखो, साथ तेरे साथ बड़े को दूध निकालेंगे। हम अपने बच्चों को कुछ बनाने का कोशिश कर यू इमोशनल हो गया। ए ए ए ए ए ए रोना नहीं बच्चों, रोना नहीं। चुप चुप चुप, ये अंकल कुछ भी बोलते हैं। रोएंगे नहीं यार बच्चों, हमारा टाइम आएगा। बच्चों का टाइम आएगा दोस्त, हम दिखाएंगे तुमको। इनका टाइम आएगा, हमारे बच्चों का टाइम आएगा। ओके थैंक यू वेरी मच, लव यू, ऑल द बेस्ट आपके फिल्म के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, मुझे कुछ करना है। आई नो इट फील्स गुड यार। या यो 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 यो। दर्शकों में से किसी ने कहा है कि जब रणवीर आए तो उनसे पूछना कि इज इट ट्रू कि आपने अपनी प्लेलिस्ट जो है फेवरेट गानों की लिस्ट वो अपने रायता नाम से सेव रखी है। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्यों। देखो क्या है, पार्टी में पहले तो इंग्लिश गाने बजते हैं लेटेस्ट, फिर पुराने इंग्लिश गाने, फिर जब सबने काफी सारी पार्टी की होती है, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए जी, जब पार्टी पूरी फॉर्म में आती है तब वो वाले गाने बजते हैं, वो वाले रायता फैलने वाले, जिन पे लोग फैलते हैं रायते की तरह। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट का नाम रखा है रायता। क्या यूनिक थॉट है बंदे। अली ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि यार कोई दोस्त बड़ा पकाऊ है तो उसका नाम हमने लिख लिया कि पकाऊ नाम करके सेव लिया। ऐसा कभी आपने किसी के नाम ऐसे सेव किए? आप दोनों से सवाल है यार। मैंने नहीं सेव किया है, पर मुझे पता है कि लोगों ने मेरा नाम एक अजीब नाम से सेव किया है। अच्छा, आलू बटाटा या बटाटा वड़ा या आलू फ्राई। प्यार से आलू बोलते ना सब। हाँ, तो आलू को लेकर मेरे बहुत सारे निकनेम्स बने हैं और okay. बहुत सारे ऐसे नाम सेव किया हुआ है मैंने फोन पे। ऐसा क्यों? क्यूट पाजी, आलिया ना तो आलू बोलते प्यार से लोग। और मैं आलू थी वैसे। ओ और मैं आलू भी हूँ क्योंकि मैं हर सिचुएशन में घुस जाती हूँ एक्चुअली। हर हर फिल्म में आलू गोज विद एवरीथिंग, सो आई आल्सो गो विद एवरीथिंग। यही खासियत होती है पता है एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे एक्टर की। किसी भी तरह का करेक्टर दे दो, किसी भी तरह की फिल्म, आलिया हर फिल्म में एडजस्ट हो जाती है और बहुत अच्छा करती है। पाजी आपने भी अलग अलग सेव किए नाम? मैंने एक्चुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड का मोबाइल लेके मैंने अपना नाम बदल के सेव किया था। क्या? ताकि जब भी मैं कॉल करूं वो दिखे उसको गॉड। गॉड? हाँ, जैसे भगवान का फोन आ रहा है। अच्छा गॉड्स बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे आई एम श्योर जिन्होंने अपनी वाइफ का नाम या अपने दोस्तों के नाम अलग नाम से सेव किए होते हैं। अच्छा, जिसका हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा क्रिएटिव लगेगा, उसको हम गिफ्ट भी देंगे। ऐसे फालतू में नहीं पूछ रहे। ओ मांगता रहा बॉस, देता है गिफ्ट, मांगता है अपने पास। हाँ कोई है हमारे दोस्त जो फटाफट कुछ? जी हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू सर। हेलो भाई। हेलो रणवीर सर। हेलो आलिया मैम। सो मैं यहाँ मेरे वाइफ के साथ आया हूँ। तो अपनी वाइफ के साथ आओगे, किसी की वाइफ के साथ क्यों आएगा? अच्छा तो फिर कहाँ से आए सर आप? मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ। यहाँ मुंबई से ही आए जी। मैंने अपने वाइफ का नाम प्यार से वड़ा रखा है और वड़ा वड़ा मिंदू वड़ा नहीं नहीं और उसने मेरा नाम पाव रखा है। हुआ आए, आए। क्या बात है, चटनियां कितनी है आपकी, बच्चे कितने हैं, वड़ा पाव। सो स्वीट।
ऐसे क्यों बड़ा क्यों रखा है और पाव क्यों रखा है मतलब? सर बेसिकली जब हम लोग दिल्ली से मुंबई आए तो हमने काफी जगह पे वड़ा पाव खाया और हमें ऐसा लगा कि वड़ा पाव जैसे हमेशा साथ में रहता है तो हमें भी साथ में रहना है, इसीलिए हमने वड़ा पाव डिसाइड किया। क्या बात है, क्या बखौड़ों वाली क्रिएटिविटी है, वड़ा पाव भी बोलते रहते हैं, मेरे को भूख लग गई सच्ची में यार। क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, और आपकी मिसेज का नाम? इनका नाम आपको नहीं याद? निमिक्षा। हाँ जी निमिक्षा, लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज कम लव, मतलब कैसे अरेंज कम? नहीं पहले फैमिली ने अरेंज कर दी एंड बाद में हमने एक दूसरे को मिले तो हमें प्यार हो गया। नहीं वो तो होना ही था ना, फिर उसके बाद प्यार नहीं करोगे तो वड़ा पाव ये चटनियां कैसे होंगी। चलिए शुक्रिया अभिषेक, थैंक यू निमिक्षा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो। और विजय दिनानाथ चौहान। क्या हाल है सर? बढ़िया है सर। कहाँ से आए सर आप? सर मैं वापी गुजरात से आया हूँ सर। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने अपना? जीतू पटेल। जी जीतू पटेल जी, आपने क्या किया अपने फोन में? सर मैंने अपनी वाइफ का नाम सेव किया है, किटकिट किया है। हाँ जी किटकिट किटकिट। आई आई आपके साथ? आई है सर। कहाँ है? बाजू में बैठी हुई है। यार इतने प्यारी हंस रही है वो, आपने किटकिट रखा है उनका नाम? अभी भी किटकिट चालू है। पानी कैसे पीना है, ऐसे क्यों पी रहा है, ऐसे पियो, ऐसे बोलती है किटकिट जी। अपना सॉरी आपका ओरिजिनल नाम क्या है? सर मेरा नाम तरुणा है। तरुणा। कोई बात नहीं सर, अपना टाइम भी आएगा। क्या बात है। नहीं यार आपको अगर मैंने बोला पानी ऐसे नहीं, आपका ध्यान रखती ना। नहीं पर बताना तो पड़ता है ना, आखिर हस्बैंड तो है। पर आपको क्यों लगता है कि उनको पानी पीना नहीं आता? ऐसे नहीं पियेंगे तो क्या ऐसे पियेंगे? उनका कहना है बड़े बड़े लोग आए हैं, जरा पानी जरा सिस्टमेटिक पियो, जरा अच्छा नहीं लग रहा है। कौन से बड़े बड़े लोग आए? सब अपने जैसे ही, अपनी सर, अलिया मैडम, सिद्धू सर, आप तो हम भी ऐसे ही पीते हैं, हम कोई ऐसे तो नहीं पीते। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं। आप मुझे देख के बोल सकते हैं कि लव मैरिज? अरे सर ये तो जिंदा दिली आपकी, हंसी मजाक, हर लड़की को ऐसा लड़का पसंद होता है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं 15 दिन रोई थी। क्यों 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 क्यों? देखने के बाद। पर आप दोनों ही बड़े मजेदार हो। अच्छी पटती होगी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? नहीं बिल्कुल नहीं पटती। बैठे तो बड़ा चिपके हुए थे। बच्चे कितने हैं आपके? दो है सर। बनती तो होगी तभी हुए। पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। रणवीर और आलिया के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी। ये हमारे शो में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कितने सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको लगा हो कि यार ये यूनिक था, आलिया जी बताइए आपको किसने एंटरटेन किया आज? एक बंदे ने काफी हुनर दिखाई। मुझे भी लगता है, आई थिंक ये यूनानिमस है कि आज एक ऐसा शख्स है जिसका टैलेंट मतलब अपरंपार रहा। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूं मैं। अरे आपका नाम लिया, पाजी कर रहे थे आने से पहले। आप प्लीज 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 कम। तो आपको मिलती है मोटरसाइकिल। मेरे को देले सुबह से बैठा हूँ, खाना तक नहीं मिला। और आपको बहुत बहुत मुबारक, और आपका बड़ा टैलेंट यूनिक है यार ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और रणवीर आलिया थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आलिया, गॉड ब्लेस यू। और आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक ही जिंदगी है, एंजॉय करिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। शब्बागर, गुड नाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।